आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां हमने साक्षी बजरंग और तमाम आरोप हमारे भाई बहन वहां बैठे थे तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है, उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या? इनके आंसुओं का कौन देगा जवाब? ऐसे तो न्याय तो मिल जाता है, खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ। देखो, ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं, हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा है वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनको याद में आके लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहां सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगना, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता जमीन पर बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है और देश के हुक्मरान कानों में रूल डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां हमने साक्षी बजरंग और तमाम आरोप हमारे भाई बहन वहां बैठे थे तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है, उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या? इनके आंसुओं का कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई, न्याय। और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले? नहीं, ये गलत। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा अनुरोध है, भाई गार्डन में घूम रहे क्या, कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो आए उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो।